ये मेरे पास एक मदरबोर्ड आया, देखिए मैं ऑन कर दिया इसे। अब देखिए ये यहाँ तक पहुँच गया और इसने ये एक बार में डिस्प्ले नहीं दे रहा है, देखिए आप। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये लगाई नहीं थी तार। ये देखिए डिस्प्ले आ गया इसमें, ठीक है। अभी आप नोटिस कीजिए, ये हो गया ऑन। ये देखो अब ये डिस्प्ले नहीं दे रहा, तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे साथ कई बार। ये पहली बार तो आई नहीं है, काफ़ी बार आ चुकी है ना। ये देखिए अटक गया फिर दोबारा, अब नहीं आ रहा इसमें। तो ऐसे ऐसे केस हमारे पास आ जाते हैं। अब मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा, क्योंकि इसका जो जितना बड़ी प्रॉब्लम उससे कई ज़्यादा आसान इसका सलूशन है। तो ये तो मैं जहाँ तक है नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन बताऊंगा आपको और दिखा दूंगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और इसका सलूशन भी बता दूंगा। बट इसके साथ ये देखो अब आ गया अपना डिस्प्ले, ये देखो नंबर लॉक पे आ गया। तो दूसरी बार में आ रहा है, पहली बार में नहीं आ रहा है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं, वैसे ओके चल रहा है, लेकिन जैसे मैं कैबिनेट में फिट मार रहा हूँ तो ये मतलब बिल्कुल ही बंद हो जा रहा है, तब डिस्प्ले नहीं दे रहा। और कैबिनेट के बगैर सही चल रहा है, विंडो डाल लो आप कुछ भी कर लो, इसलिए काम कर रहा है, लेकिन कैबिनेट के बाद प्रॉब्लम कर रहा है। कैबिनेट में लगाते सही थी, कहीं से आते मिल जा रहा। अब देखिए आप रुक गया ये, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लमें आती है हमारे साथ। तो इसका डिस्कशन तो हम दूसरी वीडियो में करूँगा, जहाँ तक है कि ये कंडीशन कैसे आई कैसे नहीं। फिलहाल मैं एक आपको एक और कमाल का दिखा दूँ चीज़। ये देख लिया मदरबोर्ड, ये मैंने एक और मदरबोर्ड लगा दिया। तो इन दोनों का सलूशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये आप प्रॉब्लम पहले देखिए, प्रॉब्लम के बाद ही आप सलूशन ढूंढ पाओगे। ये देखो ये वाला नहीं चल रहा है, प्रोसेसर इसमें नहीं चल रहा, मैंने 3-4 बार चेंज मार के देख लिए, ये कोई भी नहीं चल रहा है। और ये देख लीजिए आप i3 है, देख लीजिए आप, ठीक है। और बट ये वाला लगा दूं मैं प्रोसेसर, ये आपका Xeon है, अभी बंद कर दो गेट, देख लीजिए आप Xeon है। तो ये लगाने पर देखिए आप, उस पर तो ऑन नहीं हो रहा था, इस पर देखिए ये हमने किया। और साथ ही मैं ये देखिए रैम भी पर आ गया, और इसके बाद जब हम इसमें i3 लगा रहे तो वर्क नहीं कर रहा, और ये i3 इसमें वर्क कर रहा है दूसरे वाले बोर्ड में, तो और ये i3 इसमें नहीं चल रहा है। तो ये i3 इसमें नहीं चल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में।